नमस्ते, मेरा नाम नीरज अखौरी है, आपका एक साथी हूँ, आपके साथ काम भी करता हूँ, आपके साथ घूमता भी हूँ, आपके साथ मजाक भी करता हूँ, आपके साथ जीवन के 30 साल हमने में गुजारे हैं। लगभग कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस के चलते हम सभी लोग अपने अपने घर में सिमटे हुए हैं, अपने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने पूरे समाज की सुरक्षा के लिए। किसी ने बहुत ही सही कहा था, पहले कहते थे कि इतनी फुर्सत नहीं है कि मर भी सकूं, और आज जब फुर्सत मिली है तो जीने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कोरोना वायरस एक विकराल रूप लेकर पूरे विश्व में छाया है, बहुत ही विकराल रूप। आप जानते हैं कि हम लोग लफार्ज होलसिम के भी सदस्य हैं, आप सभी लोग लफार्ज होलसिम सदस्य हैं। 90 देशों में हम लोग काम करते हैं और हर देश में इस दर्द को, इस संघर्ष को हम लोग देख रहे हैं। भारत भी अछूता नहीं है और भारत में भी यह संघर्ष चल रहा है। बहुत लोगों की तरफ मुझे भी शुरू शुरू में ये लॉकडाउन थोड़ा अजीब सा लगा था। जब प्रधानमंत्री ने देश से बातचीत की और कहा कि लॉकडाउन होना है, तो मुझे भी बहुत विचित्र लगा। बहुत सारे डॉक्टरों से बातचीत की, बहुत सारे वैज्ञानिकों से बातचीत की, और तब लगा कि शायद लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता था भी नहीं। 2-3 वजह थे इसके। एक, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, अभी तक वो इजाद नहीं हुआ है। विश्व भर में कितने सारे हमारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, कितने सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। दूसरा समझ में आया कि ये एक जानलेवा बीमारी है। हर जगह लोगों के बारे में सुनता हूं, हर अखबार में, हर न्यूज चैनल में देखता हूं कि कोरोना वायरस के चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और फिर लगता है कि हमारा ये देश, इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या, सही में क्या हमारे पास इतनी शिक्षा की, इतनी दवा की, दवाई की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि इतने सारे लोगों को अगर इस तरह का कोई बीमारी हो जाए तो हम कैसे इसको संभाल पाएंगे। और इस सब के बाद लगा कि सरकार का ये कदम सही कदम था, हमारे लिए ये कदम था, हम सब के लिए ये कदम था, इस पूरे समाज के लिए कदम था, पूरे देश के लिए कदम था। और इस कदम का एक नागरिक होने के नाते हम लोग सबको समर्थन करना चाहिए, लेकिन इतना भी इसको इतनी उदास होकर नहीं देखना चाहिए। बहुत अरसों के बाद समय मिला है खुद से भी बात करने के लिए, थोड़ी फुर्सत में है, खुद को भी पहचानने की कोशिश कीजिए। हम सभी ने बहुत सारे साल अपने इस उद्योग में लगाए हैं, कहां पहुंचे, क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, और क्या कर सकते थे। कोरोना वायरस के बाद में भी एक दुनिया है, उतनी ही अच्छी दुनिया, उतनी ही खूबसूरत दुनिया। उस दुनिया में अपने अपने जीवन का एक आकार, एक उसका एक रूप, उसको कैसे आप फिर से सजा सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचिए। ये एक बहुत अच्छा समय मिला है हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को, कि एक बार बैठकर अपने परिवार से बात करने का, उनकी आकांक्षाएं, उनकी आशाओं को समझने का, एक बार अपने दोस्तों को से फोन पर बात करने का, एक बार अपने जितने लोग हमारे करीब थे जो छूट गए थे इस यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में, उनको फिर से याद करने का, एक बड़ा ही अच्छा मौका मिला है। लेकिन तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, इस लॉकडाउन को पूरा समर्थन दीजिए। थोड़े दिन में की बात है, सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा, व्यापार भी वापस आएगा, हमारा जीवन भी वापस आएगा, हमारी खुशियां भी वापस आएंगी। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा अनुशासन, हमेशा खुश रहिए। मैं नीरज अखौरी आपके साथ के साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी सी बात को सुनने का।
नमस्ते और फिर मिलेंगे।